दोस्तों, ये सेक्टर 2 का गणेश पंडाल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, और ये आप देख के बता सकते हो कि ये क्या बन रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि घूमने तो आते हैं, लेकिन आधा से ज़्यादा उन लोगों को पता नहीं होता है कि सेक्टर 2 में क्या बना था। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल बना था बाहुबली का सेटअप बना हुआ था, और इस साल जो आप देख पा रहे हैं ये है जयपुर का अल्बर्ट हॉल, जिसको हम म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप मैप पे या फिर गूगल पे जब सर्च करेंगे तो आपको इजीली आपको पता चल जाएगा कि अल्बर्ट हॉल जयपुर आप लिखेंगे तो आपको नज़र आएगा। इस तरह का सेटअप है। अभी फ़िलहाल पूरा तैयार तो नहीं हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काम अभी चल ही रहा है और आधा अधूरा अभी फ़िलहाल बना हुआ है। लेकिन ये इतने लोग आए हुए हैं इस पंडाल को बनाने के लिए जिसकी कोई हद नहीं है, और मैं पिछले एक महीने से इसे देख रहा हूँ और ये अभी भी काम आधा अधूरा भी चल ही रहा है। और आज हो गए हैं 29 तारीख हो गए हैं, और कल हो जाएगा 30, और 2 तारीख को गणेश पंडाल है, सॉरी गणेश चतुर्थी है। और मुझे लगता है कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और इतने सारे लोग इस चीज़ को बना रहे हैं, तो बहुत जल्द ये भी हो जाएगा। आधा अधूरा काम बचा है, बाकी आधे से ज़्यादा काम लगभग हो चुका है। अंदर मैं आपको नहीं दिखला सकता क्योंकि अंदर थोड़ा जाना मना है, तो मैं आपको दूर से दिखला देता हूँ। और दुरुग भिलाई में सबसे ज़्यादा फेमस यही है सेक्टर 2 का, तो आप आइएगा और देखिएगा। और इस सेटअप को बनाने के लिए कम से कम 30 से 40 लाख रुपए लगे हैं, और ये एक संस्था से जुड़े हुए हैं करके इन्हें इतना सारा डोनेट मिलता है, तो ये इस चीज़ में पैसा लगाते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं आपको और आगे दिखलाऊंगा कि यहाँ पे झूले का भी व्यवस्था है। और इस जो रोड को आप देख पा रहे हैं, ये रोड पूरा लोगों से भरा होता है, और यहाँ पे बहुत सारे बांस की लकड़ी हैं, और पूरे इस तरह से जो कपड़ा देख पा रहे हैं, जो कपड़ा इसमें यूज किया गया है, ये कपड़ा अपने छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है, और जितने भी कारीगर हैं सब उड़ीसा और कोलकाता से आए हुए हैं, और ये जो कपड़े हैं ये भी उड़ीसा से मंगाया गया है। ये ख़ास तौर पर ये कपड़ा उड़ीसा पर ही मिलता है और कोलकाता पर मिलता है। तो मैं आपको और आगे दिखलाता हूँ कि यहाँ पर और किस तरह का जो झूले हैं, और इसका भी व्यवस्था यहाँ पे रखा गया है ताकि एंटरटेनमेंट भी हो सके और अपने फैमिली के साथ आप इजीली आके यहाँ पे घूम सकते हो। यहाँ से मतलब कि लगा हुआ है, यहाँ भी अभी चल रहा है, काम चल रहा है, और आप देख पा रहे कि वहाँ से दिख रहा पंडाल, तो ये भी एक अच्छी जगह है, आप इजीली आके घूम सकते हैं सेक्टर 2 में। और भिलाई वासी तो का फेमस है, तो मैं आपको और आगे से दिखलाता हूँ। तो इस तरह से नज़ारा दिखता है, और ये पूरे रोड में पूरा लाइटिंग की व्यवस्था हो चुकी है, और लाइटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और देख सकते हो इस प्रकार से दिखता है, और दूर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ताकि आप दूर से आप देख के पहचान सको कि ये वाकई में अल्बर्ट हॉल यानी कि जयपुर का म्यूजियम है, जो देखने में बहुत प्यारा है। तो ये देख सकते हो, और ये जो है ये पूरा लाइटिंग है जो रात को दिखेगा। जब पूरा काम यहाँ पूरा संपन्न हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत इजीली अच्छे से दिखेगा, तो ये देख सकते हो। और मैं झूले और खाने पीने का स्टॉल जो है, ये जो सामने आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये तो यहीं पे लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि कई लोगों को पता नहीं चल पाता है कि अपने सेक्टर 2 में कौन सा पंडाल बना हुआ है और उसका नाम क्या है। तो मैं सोचा कि आज बनते बनते मैं आपको दिखला देता हूं और उसके बारे में बता देता हूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन मिलता है।